कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या डिफरेंस होता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है ना काफी बच्चों को दिक्कत आती है कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है यहां पर अगर आप देखेंगे तो चार बेसिक डिफरेंस यहां पे दे रखे हैं जो मेन डिफरेंस होते हैं जो हम जिसकी वजह से हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहला डिफरेंस इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ फिग्ड सेट कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है जो फिग्ड सेट खरीदते हैं ना जो फिक्ड स्टेट्स खरीदते हैं जैसे मैंने बिल्डिंग खरीदी है फर्नीचर खरीदा है या मशीन खरीदी है अपने बिजनेस के अंदर तो वो जो खर्चा है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बिजनेस चलाने के लिए डे टू डे दे, डेली एक्सपेंस जो होते हैं डे टू डे जो खर्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं दूसरा डिफरेंस यहाँ पे है कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है मेरी लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से अर्निंग कैपेसिटी इनक्रीज नहीं होती है मेंटेन होती है आगे चलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर मैं करता हूं अपने बिजनेस में तो उसका बेनिफिट मुझे लॉन्ग टर्म तक मिलता है लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर मैं अपने बिजनेस के अंदर करता हूं तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट एक साल तक मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहां पे दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं आई होप क्लियर होगा ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं